हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज क्लास 11 का चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है, ह्यूमन मेमोरी। और ह्यूमन मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन मेमोरी किस तरीके से काम करती है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में, क्यों हम थोड़े टाइम बाद भूलना शुरू हो जाते हैं कुछ चीज़ों को, और जो हम भूलते हैं उसमें किस चीज़ का फ़र्क आता है, पहले जो हमने मेमोराइज किया होता है और बाद में जो हमें याद रहता है, कितना हम रिटेन कर पाते हैं, कितना रिकॉल कर पाते हैं, तो ये सब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर से ये भी देखा जाएगा कि मेमोरी जो है वो किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मेमोरी अच्छी और ख़राब होती है, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा क्योंकि आप लोग याद करते हो इस टाइम पर, नोट्स वगैरह याद करते हो। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमें मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं और अच्छा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरमन एबिंगॉस और फ्रेडरिक बार्लेट ने दो अलग अलग बातें बताई है मेमोरी के बारे में। हरमन एबिंगॉस ये कह रहे हैं कि हम लोग एकदम एंटायरली कम्प्लीटली सब कुछ नहीं भूलते हैं, और इसकी जो भूलने की पेस होती है, मतलब जो स्पीड होती है ना, वो इतनी इवन नहीं होती है। कभी कभी हम कुछ चीज एकदम भूल जाते हैं, और कभी आपको लगता है आपने अभी कुछ सुना एकदम से भूल गए आप क्या था वो। कभी कभी हमें कुछ चीजें बहुत टाइम तक याद रहती है और हमसे धीरे धीरे ही भूलते हैं, एकदम नहीं भूल पाते हैं। तो एक इवन स्पीड नहीं है, इवन पेस नहीं है कि एक ही स्पीड में सब भूल जाता है। डिपेंड करता है कि किस चीज की मेमोरी है, किस चीज से अटैच है, उसके पीछे का क्या मोटिव है, पर्पस है। और कंप्लीटली तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, कुछ ना कुछ हमें उससे रिलेटेड एक दो चीजें कहीं हम देख लें याद आ जाती है किसी चीज को देख के, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर तो कुछ रहता ही है उससे रिलेटेड। इनिशियली रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज फास्टर देन इट स्टेबलाइजेस। जनरली पहले हम जल्दी भूलते हैं, जैसे कि आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ोगे एकदम भूल जाओगे, दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे थोड़ा कम भूलोगे, ज्यादा पढ़ोगे और ज्यादा याद रहेगा। तो पहले हम काफी जल्दी भूल जाते हैं, फिर फास्टर रेट होता है, धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। फ्रेडरिक ये बोल रहे हैं कि मेमोरी बहुत एक्टिव है, पैसिव नहीं होती है। मेमोरी एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। मेमोरी एक मतलब एक स्टोर हाउस या ऐसी चीज नहीं है कि एक बार आपने भर दिया खत्म, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ काम होता ही रहता है, और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ ना कुछ वहां पे बनते रहते हैं, चीजें बनती रहती है। अब वो मेमोरीज की बात कर रहे हैं तो मेमोरीज बनने की बात हो रही है कि मेमोरीज के अंदर भी कुछ और मेमोरीज हैं जो कुछ ना कुछ बनती रहती हैं। इट अंडरगोज मेनी चेंजेस ओवर टाइम। हमारी मेमोरीज में काफी चेंजेस आ जाते हैं ओवर टाइम। हमें जो चीजें पहले याद होती है उसी के बारे में हमें कुछ सालों बाद पूछा जाए तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके या कुछ डिलीट करके बताते हैं। तो वो सब चीजें कैसे होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चली रही होती है हमारी मेमोरी प्रोसेस में। और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जो आप फर्स्ट टाइम याद करते हो चीज, और जैसे आपके साथ कोई सिचुएशन हुई और आपने जाके घर में किसी को बताया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। अब उसी चीज के बारे में आपसे किसी ने 5 साल बाद पूछा कि उस टाइम क्या हुआ था आपके साथ, तो आप वो चीज इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बता पाओगे जितनी आपने फर्स्ट टाइम में ही बताई थी जब उस टाइम हुई थी वो चीज, जब आपको एकदम से सब याद था और रिसेंटली उस चीज को फेस करके आए थे। तो क्वालिटेटी का फर्क आ जाता है क्वालिटी का। अब ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है, जब हम रिवाइज करते रहते हैं धीरे धीरे जब हमें कोई चीज अच्छे से याद हो जाती है, उसके बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो क्वालिटी अलग होती है। और जब हम उस चीज को रिवाइज करना छोड़ देते हैं और कुछ टाइम बाद फिर से अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए, तब जो हम क्वालिटी का आंसर लिखते हैं वो क्वालिटी अलग होती है। मतलब क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया होता, हमें उतना याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये दो चीजें बता रहे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ मेमोरी है कि मेमोरी में क्या होता है एक्चुअली, इसमें इंक्लूडिंग क्या प्रोसेसेस होते हैं। रिटेनिंग होता है, रिकॉलिंग होता है। रिटेन करना मतलब संभाल के रखना कोई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में, और उसको रिकॉल करना जब जरूरत हो तब वापस से उसको याद करना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क, मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉग्निटिव टास्क, आप कौन सी कॉग्निशन यूज कर रहे हो। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड कोई चीज है, तो आपका वो जो टास्क है उसका क्या नेचर है, क्या उसका पर्पस है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं अगर मेमोरी की बात करी जाए तो। एक होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है रिट्रीवल।
एनकोडिंग का मतलब होता है जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे सेंसेस के थ्रू। हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, हमारे सेंसेस के थ्रू ही मिलती है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने माइंड में। विजुअल इमेज है, चाहे कोई साउंड है, या फिर कुछ हमें कुछ भी फीलिंग है, कुछ भी हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने माइंड में, रजिस्टर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। वो रजिस्टर होने के बाद कहाँ जाती है, स्टोरेज में जाती है, वहां पे हम उसको संभाल के रखते हैं इन्फॉर्मेशन को जितनी देर तक हो सकता है। हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है हम कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज में वो रहती है वहां पे, लेकिन हम उसको तब दोबारा रिट्रीव करते हैं जब हमें चाहिए होता है। तो वहां पे स्टोरेज में मेमोरी स्टोर हो जाती है। रिट्रीवल कब होता है, जब हमें कोई कॉग्निटिव टास्क करना होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कौन सा कॉग्निटिव टास्क कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे हम उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब उसको याद करते हैं। तो तीन प्रोसेसेस हो गए, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। मतलब पहले आपने उसको अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया, मतलब उसका मीनिंग समझा, उसको रजिस्टर करा, उसके बाद स्टोर करा, उसके बाद जब आपको जरूरत थी आपने उसको दोबारा याद करा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। बाद में जब कंप्यूटर्स वगैरह जब आने शुरू हुए थे, कंप्यूटर्स के बारे में सब, मतलब सब लोग जान गए थे कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, तो लोगों ने मेमोरी को कंप्यूटर से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन डालो, वो उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, और जब चाहिए उसको आपके सामने ले आता है। ऐसे ही सबने बोला कि मेमोरी भी कंप्यूटर की तरह ही होती है, कि उसमें भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है, फिर स्टोर होती है, फिर उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है कंप्यूटर से। हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना इंफॉर्मेशन, आप एडिट कर सकते हो। ऐसे हम अपने माइंड में भी अपनी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं और बाद में जब जरूरत हो तो उसको बाहर ला सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर में जैसे दो मेमोरीज होती है, एक रैम होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बहुत टेम्परेरी होती है। ऐसी हमारी भी एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, STM बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज याद रहती है। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है परमानेंट मेमोरी, जो कंप्यूटर की होती है। ऐसी हमारी भी एक परमानेंट मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें ज्यादा देर तक के लिए चीजें याद रहती हैं। तो इसीलिए अपनी मेमोरी को कंप्यूटर से कंपेयर किया था कि हमारे पास भी ऐसी दो जगहें हैं जिसमें मेमोरी रहती है, और कंप्यूटर के पास भी है। और कंप्यूटर भी एनकोड करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, और हम लोग भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। इसी चीज को कोरिलेट करने के लिए एटकिंसन और श्रीफिन ने एक मॉडल बनाया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी 1968 में, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एटकिंसन और शिफरिंग का स्टेज मॉडल है जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं और द स्टेज मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेजेस में दिखाया हुआ है मेमोरी को। तो इसमें क्या इन्होंने बताया है, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसेस को मिलती है, जो हमारे सेंसरी रजिस्टर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है सेंसेस वाले चैप्टर में। और जैसे हमारे आईज को, आइकॉनिक मतलब जो विजुअल होते हैं जो हम अपनी आईज से देखते हैं, इकोइक मतलब जो साउंड होते हैं जो हम सुनते हैं। तो कोई भी सेंसर्स के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में रहती है थोड़ी देर के लिए। सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन है ना, वो 1 सेकेंड से भी कम है, उससे भी कम हमें वो वहां पे मिलती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक बार में देख लेते हैं। आपने नोट किया है कि आपकी आईज काफी सारी चीजें एक बार में नोट कर लेती हैं, और ईयर्स में काफी सारे साउंड होते हैं जो आप रजिस्टर कर सकते हो एक टाइम पे। तो बहुत लार्ज कैपेसिटी है, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है। याद रखना हो तो आपको सारी चीजों में से कुछ ही चीजें याद रहेंगी, और बहुत कम ड्यूरेशन होगा, less than 1 second। उसके बाद आता है ये वाली, जब इंफॉर्मेशन आती है ना, इसमें से जिस चीज पे भी आप अटेंशन देते हो, आपके रूम में बस 50 चीजें रखी हैं, मान लो आप कोई नई जगह गए हो जहां पे किसी रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन आप उसमें से घर आके क्या हर चीज बता सकते हो कि वहां पे क्या क्या रखा था, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने अटेंशन सिर्फ एक दो चीजों को दिया। आपने सारी चीजें देखी जरूर, लेकिन वो आपकी मेमोरी में सिर्फ 1 सेकंड तक थी। जो चीज पे आपने ज्यादा अटेंशन दी, मान लो आप जिस टेबल पे बैठे थे वो टेबल को आपने ज्यादा अटेंशन दी, आपका ध्यान उसमें ज्यादा गया चेयर पे, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, ठीक है।
अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में एकॉस्टिक मतलब साउंड के फॉर्म में ज्यादा रहती हैं चीजें, साउंड की तरह हमें याद रहती हैं चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा, और इसमें लेस देन 30 सेकेंड, इसकी ड्यूरेशन इससे थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें लेस देन 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड तक तो रहती है चीजें, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत स्मॉल है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं हम स्टोर कर सकते, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा आती है तो यहीं से फिल्टर आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है, या फिर आगे बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए हमें बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है। लैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि आपको उस चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब आपकी वो चीज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है, कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई वो लाइफ टाइम तक वहीं पर रहेगी, इसकी ड्यूरेशन परमानेंट होती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ठीक है, इस इनके अकॉर्डिंग ये वाली ड्यूरेशन 1 सेकंड से कम है, ये 30 सेकंड से, और ये जो है ये लाइफ टाइम है मतलब परमानेंट है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ये सिमेंटिकली स्टोर होती है, सिमेंटिक का मतलब है उस चीज का मीनिंग, जो हमें उसका मीनिंग पता है हम उस वे से उसको स्टोर करते हैं कि ये टेबल है तो टेबल का क्या मतलब होता है उस टाइप से, तो यहाँ पे सिमेंटिकली स्टोर होती है। तो इन तीनों में फर्क क्या हो गया कि ये लार्ज कैपेसिटी होती है बहुत, ये स्मॉल होती है, और ये वाली जो है इसमें जो स्टोर होती है ये सिमेंटिक होती है। फॉरगेटिंग अगर हमें हो, फॉरगेटिंग मतलब अगर हमें मान लो कोई चीज यहाँ से नहीं याद आ रही है, तो फॉरगेटिंग का मतलब है रिट्रीवल फेलियर है, कि इंफॉर्मेशन वही है जहां पे थी, बस हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे, रिट्रीव मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। तो ये आपका जो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, ये एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये आपको हायर क्लासेस में भी आता है ये पढ़ने के लिए, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ के इसको आप लर्न करोगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।